सूबाई वजीर इत्तलाआत और मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में गैस की जरूरियात ज्यादा हैं और जरूरत के मुकाबले में पैदावार 45% है। अगर मुल्क की जरूरत पूरी नहीं होती तो सिंध के बजाय दूसरे सूबों को गैस कम दी जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा पाकिस्तान लाइफ स्टाइल फर्नीचर एक्सपो 2020 का इफ्तिताह और मीडिया से बातचीत करते हुए किया। जो कुदरती गैस है वो जिस सूबे से निकलती है सबसे पहला हक उस सूबे के लोगों का होता है और उसके बाद अगर इजाफी गैस हो तो वो फिर दीगर सूबों को दीगर इलाकों को दी जा सकती है। ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जितनी गैस पैदा होती है उसमें तकरीबन कोई 69-70% गैस सूबे से निकलती है और हमारी ज़रूरियात उस गैस जो निकलती है उसके मुकाबले में कम है, लेकिन हमें जो गैस मिलती है वो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं है। सूबा सिंध और खुसूसन कराची शहर में अमन की सूरत हाल बेहतर है। इस नुमाइश का इनेकाद इस बात का सबूत है कि इस तरह की तकरीबात होनी चाहिए। इस तरह अगर हमारी ये सूबा सिंध की तरक्की जारी रही, कराची में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होती रही तो इंशाल्लाह ताला ये जो इवेंट्स हमारे हो रहे हैं इनमें मज़ीद तेज़ी भी आएगी और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि इस किस्म के इवेंट से दुनिया भर में पाकिस्तान का जो एक इमेज है उसको बेहतर करने में बड़ी मदद मिलती है। जो लोग यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेकर अपने मुल्कों में जाते हैं, जब वो जाकर दुनिया में बताते हैं, अपने मुल्कों में बताते हैं कि वो पाकिस्तान गए थे, कराची गए थे, वहाँ उन्होंने एग्जीबिशन में हिस्सा लिया, पुरअमन जगह है और यहाँ अच्छा बिजनेस करने के मौके मौजूद हैं, तो यकीनन और इन्वेस्टर्स भी इनकरेज होते हैं और यहाँ पर आते हैं। उन्होंने कहा कि विफाक की नालायक और नाअहल हुकूमत की मौजूदगी में सुकून और मसाइल के हल की तवक्का ना की जाए। इस नालायक और नाअहल हुकूमत से आप ये तवक्को ना करें कि आपको इस दुनिया में और ज़िंदगी में कोई सुकून मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उनके होते हुए इस ज़िंदगी में आपको सुकून नहीं मिल सकता है, इसलिए जो अबदी सुकून है, जो आपको सुकून की ज़िंदगी है, वो मरने के बाद ही मिल सकती है, इमरान खान की मौजूदगी में नहीं मिल सकती। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि मुल्क में बेरोज़गारी उरूज पर है और अवाम 1 करोड़ नौकरियों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अवाम के लिए ज़राअत समेत रोजगार के दीगर रास्ते खोले हैं। हमने नौकरियां देने की बात की है लेकिन हम ये समझते हैं कि हम जितनी नौकरियां दे देंगे उसके बावजूद भी बेरोजगारी जो है वो रहती है। हमें प्रॉब्लम ये आती है कि विफाकी सतह पर अगर आपकी मईशत को ठीक करने के लिए इकदाम नहीं किए जाएंगे तो सूबाई हुकूमतें मईशत को ठीक करने में बहुत बड़ा किरदार अदा नहीं कर सकती हैं। हमारे दौर हुकूमत में आपको याद होगा कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी ज़्यादा तरक्की की थी कि इस मुल्क के जो ज़रात से वाबस्ता लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हुई थी। हमने सरकारी मुलाजमन की तनख्वाह में जितना इजाफा किया 5 वर्षों में पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। हमने जितने लोगों को रेगुलाइज किया वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। हमने लोगों को रोज़गार दिया तो बावजूद इसके कि महंगाई भी हो रही थी, मुश्किलात भी आ रही थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं लोगों को कुछ स्पेस दे रहे थे ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के कोई सामान कर सकें। बदकिस्मती से इस हुकूमत ने ना सिर्फ ये कि रोज़गार के रास्ते बंद कर दिए हैं, ना सिर्फ ये कि महंगाई बहुत कर दी है, ना सिर्फ ये कि मईशत का सत्यानाश कर दिया है, साथ साथ लोगों की उम्मीद और आस जो होती है वो भी खत्म कर दी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तारीफ दुनिया ने की है। 2018 के सर्वे में इसकी तारीफ की गई थी। उस वक्त फानिया नश्तर सर्वे बोर्ड में शामिल थी मगर रिपोर्ट जानबूझकर शाया नहीं हुई। इन 2,500 लोगों की वजह से वो 54 लाख से ज्यादा खानदान जो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं उनके ऊपर जो है वो कोई तलवार नहीं आनी चाहिए। मैं सिर्फ एक चीज़ आपको याद कराऊँ कि नवम्बर 2019 में एक मीटिंग हुई थी PTI की पार्लियामानी पार्टी की, वज़ीर आज़म ने उसको चेयर किया था। वहाँ पर PTI के पार्लियामेंटेरियंस ने सानिया निश्तर साहिबा का बहुत बुरा असर किया था और बहुत तनकीद की थी, रो पड़ी थी उस इजलास के अंदर जो अखबारात में रिपोर्ट हुआ है। और उसके बाद उनको ये कहा गया कि जी इस BISP से जो लोग फवायद उठा रहे हैं वो सारे अपोजिशन के लोग हैं, हमें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।